वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र कुमार। तो जीएससी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टोम ही पढ़ रहे थे। टोम में आज हम पढ़ेंगे प्लेनेटरी एंड एपिसाइक्लिक गियर। क्या पढ़ेंगे? प्लेनेटरी और एपिसाइक्लिक गियर। ये होता क्या है देखते हैं इसे, ये होता क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेगा आपको देखने से, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं, किस मेथड से और कैसे करेंगे, ये हैबिचुअल बना दूंगा मैं तुम्हें कि आप देखते क्वेश्चन क्या करोगे बेटा, मेथड लगाना अप्लाई कर दोगे और क्वेश्चन या नो भी क्वेश्चन भी हो वो उसका आंसर आप इजीली फाउंड कर दोगे। तो देखो ये क्या होता है, ठीक है, टर्म क्या होता है इसमें। देखो किसकी बात कर रहा हूँ, एपिसाइक्लिक की बात कर रहा हूँ बेटा। किसकी बात कर रहा हूँ? एपिसाइक्लिक की बात कर रहा हूँ। तो एपिसाइक्लिक गियर की बात कर रहे हैं। तो एपिसाइक्लिक गियर क्या होता है? एक्सिस ऑफ शाफ्ट ऑन विच द गियर आर माउंटेड। ये एक्सिस ऑफ शाफ्ट बेटा, ये एक्सिस ऑफ शाफ्ट है। अब देखो एक्सिस ऑफ शाफ्ट ऑन गियर इज माउंटेड, गियर इज माउंटेड मे हैव रोटेटेड टू फिक्स्ड आर्म, मे हैव रोटेटेड टू फिक्स्ड आर्म। तो आर्म में बना देता हूं, यहां पर आर्म बना देता हूं, ये आपकी आर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी आर्म हो जाएगी। ये बेटा क्या हो जाएगी? आर्म हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका आर्म हो गया। तो देखो एक्सिस ऑफ शाफ्ट ऑन विच द गियर आर माउंटेड, गियर आर माउंटेड है आपका एक्सिस ऑफ शाफ्ट पे, विच मे बी रोटेट, मतलब रोटेट तो हो रहा है ये, लेकिन फिक्स आर्म पे क्या कर रहा है बेटा, ये रोटेट कर रहा है। तो ये देखो आपका ये गियर वन हो गया, गियर वन हो गया और गियर टू हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया आपका, ये आर्म हो गया। क्या हो गया? आर्म हो गया, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी? एपिसाइक्लिक गियर है। क्या है आपका? एपिसाइक्लिक गियर है। तो अब देखेंगे इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, इसकी एनालिसिस करते कैसे करते हैं। तो देखो देखो एनालिसिस करने से पहले तो आप ये देखो, ये गियर है, ये एपिसाइक्लिक गियर है। अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, जैसे ये आपका क्या है, ये मैं इसको इस टर्म में सिर्फ बनाऊंगा, तो ये आपका कौन सा गियर हो गया? एपिसाइक्लिक गियर हो गया, ठीक है, एपिसाइक्लिक गियर हो गया। तो अब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूं, यहां पर बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी, तो कैसे निकालते हैं? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमें इस वाले ठीक है स्लाइड पे चलनी पड़ेगी। यहां से हमें लिंक देखना पड़ेगा कि लिंक कितनी है। तो लिंक बेटा देखो, एक लिंक ये हो गया, दो लिंक ये हो गया, तीसरा लिंक ये हो गया बेटा, चौथा लिंक जो फिक्स है ये, ठीक है, इसे वन कर लो, इसके बाद कर लो इसे टू कर लो, इसे थ्री कर लो और इसे क्या कर लो, फोर। तो ये हो गई आपके फोर लिंक हो गए। तो लिंक कितनी हो गई बेटा, यहाँ से लिंक आपके पास सिर्फ फोर कितने हो गए, फोर लिंक हो गए। तो लिंक की अगर मैं लिंक की संख्या देखता हूँ तो लिंक कितनी हो गई, फोर। ज्वाइंट की बात करूंगा तो ज्वाइंट कितनी हो जाएंगे यहाँ पर, तो ज्वाइंट देखो यहाँ पर ज्वाइंट कितनी हो गई, यहाँ पर देखो एक ज्वाइंट तो ये है जिसपे फिक्स है, दूसरी ज्वाइंट ये है, ठीक है, और तीसरी ज्वाइंट बेटा ये है, तीसरी ज्वाइंट ये है। तो तीन ज्वाइंट मिलेंगे आपके, देखो एक फिक्स है, इसके बीच में रोटेट कर रहा है फर्स्ट ज्वाइंट, सेकेंड ज्वाइंट, और इसके बीच में क्या हो रहा है, एक ज्वाइंट बन रहा है, इसे बोलेंगे तीसरी ज्वाइंट है। तो तीन ज्वाइंट होगी बेटा, इसमें कितनी हो गई, ज्वाइंट की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री हो गई, ज्वाइंट की वैल्यू बेटा थ्री हो गया, ठीक है। और हायर पेयर है क्या इसमें, देखो गियर है, किससे, ये गियर पेयर है, कौन सा कॉन्टेक्ट है बेटा, ये लाइन कॉन्टेक्ट है या पॉइंट कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एक हायर पेयर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हायर पेयर भी हो जाएगा। तो हायर पेयर की संख्या बेटा वन जाएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला देख लो, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर गियर की, ये हो जाएगी थ्री एल माइनस वन टू जे माइनस टू जे माइनस टू जे माइनस एच, तो थ्री लिंक बेटा कितनी हो जाएगी आपकी, फोर माइनस वन माइनस टू इंटू ज्वाइंट कितनी हो गई, थ्री माइनस हायर पेयर वन हो जाएगा। तो ये देखो नाइन माइनस कितना हो जाएगा, सिक्स माइनस वन, तो ये बेटा कितनी आ जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके दो होंगे। इसका मतलब ये रोटेट कर रहा है साथ साथ, ऐसे भी रोटेट हो रहा है, दो रोटेशन हो रहे हैं, एक तो रोटेट कर ही रहा है, इसके बाद ये फिक्स आर्म के अबाउट भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, दो हो गए, यानी कि दो मोशन इसमें पॉसिबल है, एक तो प्योर रोटेशनल साथ साथ गियर हो रहा है, इसके साथ ये भी रोटेट ऐसे ऐसे करते हुए निकल रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, गियर हो जाएगा। तो देखो ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका बेटा, गियर हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल हैं एपिसाइक्लिक गियर के, एग्जाम्पल हैं
एग्जाम्पल देख लो बेटा, एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हो गया, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, ठीक है, डिफरेंशियल गियर बेटा, क्या कौन सा आपका डिफरेंशियल गियर, डिफरेंशियल गियर, ठीक है। उसके बाद रिस्ट वॉच किसमें हो जाएगा, रिस्ट वॉच इसमें यूज करते हैं एपिसाइक्लिक गियर, और होइस्ट किसमें, होइस्ट। उसके बाद पुली ब्लॉक में बेटा यूज करते हैं हम लोग, पुली ब्लॉक में, ब्लॉक में यूज करते हैं, ये यूज करेंगे हम लोग क्या, इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, किसके किसके एपिसाइक्लिक गियर के एग्जाम्पल हो गए, कौन कौन सा डिफरेंशियल गियर कहाँ यूज करते हैं बेटा, यूज इन किसमें, ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं हम लोग, ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, तो ऑटोमोबाइल में है, रिस्ट वॉच में, और पुली ब्लॉक, ये इसके हो गए एग्जाम्पल, ठीक है। अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पे, इसके कैलकुलेशन पे, तो देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, एक गियर ये बेटा, एक गियर ये है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर है, क्योंकि ये अगर आ गया आपको तो क्या करेंगे हम, बना लेंगे, दूसरी गियर ये है, दूसरी गियर बेटा ये है, तीसरी गियर है, तीसरी गियर ये है, और चौथी गियर देखते हैं, एक चौथी गियर भी है आपका पास, ये देखो इतनी गियर है, इतनी गियर है, लेकिन गियर आपका, गियर जो है आपका, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी ए नहीं है, सी देखो क्या होता है आपका, सी ये आपका एक गियर है आपका, ये एक ये गियर हो गया आपका, और एक गियर मैं लेता हूं बेटा, ये गियर है आपका ये, ठीक है। अब इसको मैं ज्वाइंट कर देता हूं आर्म से, किससे, आर्म से, तो आर्म से ज्वाइंट करता हूं, तो ये आर्म से ज्वाइंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ए बी गियर कंपाउंड है, जो ए और बी गियर है, ए बी बेटा गियर जो है ये कंपाउंड गियर है, कैसा है आपका, कंपाउंड गियर है, ठीक है, कंपाउंड गियर हो गया, ए बी कंपाउंड हो गया, सी बेटा कौन सा हो गया आपका, सी हो जाएगा बड़ा वाला, ये देखो सी हो गया। इसके बाद डी देखते हैं, डी देखते हैं, तो ये डी हो गया, जो बाहर वाला हो गया डी हो गया। इसके बाद आपके पास ई हो जाएगा ये, और क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ गियर, ठीक है। इतने गियर हैं आपके पास। अब इसको देखो कैसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, टी ए बेटा आपका, टी था एक दिया है 20, और टी था बी दिया आपका ये दिया 30, टी था ई और टी था एफ दोनों बराबर है, इसकी वैल्यू दिया है आपका 10, ठीक है। एम बेटा क्या आपका, आल गियर के लिए क्या हो जाएगा, आल गियर के लिए मॉड्यूल जो होगा आपका ये सेम दे रखा है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, ए बी बेटा कंपाउंड गियर दिया रखा है, तो आपसे पूछा है, आपसे पूछा है इफ, क्वेश्चन पूछा है इफ गियर, गियर, गियर डी इज फिक्स, गियर डी इज फिक्स, अगर गियर डी फिक्स हो रहा है तो, एंड आर्म का रोटेशन बेटा दे रखा है, आर्म का रोटेशन दे रखा है, कितना है आपका 100 RPM है, 100 RPM है, तो फाइंड, फाइंड पूछा है गियर, गियर, ठीक है, ए बी सी डी ई,
ऐप का स्पीड कितना होगा यानी आरपीएम कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो देखो क्वेश्चन ये दे रखा है। अब यहाँ से देखो, सभी टीथ निकालेंगे, क्या हमें ए पता है, बी पता है, सी नहीं पता है, टीथ सी नहीं पता है, क्या नहीं पता हमको, सी नहीं पता है। तो सी कैसे निकालेंगे, सी आपका यहाँ से लेकर, टीथ यहाँ से लेकर यहाँ तक सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक सी हो गया, तो आपके पास क्या मिलेगा, टू टाइम्स, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ये रेडियस मिलेगा, यानी कि टू टाइम्स आर ई प्लस क्या हो जाएगा आर, तो आर किसका, ये आर ए प्लस टू टाइम्स आर ई बराबर कितना हो जाएगा, आर ऑफ किसका हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, सी। तो हमें मॉड्यूल पता है, तो एम इक्वल टू बेटा क्या होता है, एम इक्वल टू डी बाई टी, तो यानी कि डी किसके टर्म में आ जाएगा, मॉड्यूल से में डी टर्म किसे आ जाएगा, किसके आ जाएगा, किसे टीथ के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टी ए प्लस टू टी बी टू टी ई बराबर टी सी। तो टी सी देखो, टी ए की वैल्यू देखा 20, इसे 20 कर लो, प्लस टू टी ई, ई देख रखा 10, ये भी 20, टी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ गई, टी सी की वैल्यू हमको 40 आ गई। और ठीक है, और गियर किसको पता नहीं हमको, ई हो गया, एफ हो गया, डी नहीं पता है, डी नहीं पता है। तो डी निकालने के देखो, इस सेंटर से, मेन सेंटर से डी की तरफ चले जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, दो, एक रेडियस मिलेगा सी का, सॉरी इसके बाद मिलेगा आपका, यहाँ से रेडियस बी का मिलेगा, रेडियस बी का मिलेगा, प्लस टू टाइम्स रेडियस मिलेगा आपका एफ का। तो आपसे अगर मैं पूछूं आर डी, यानी मैं टी से टी डी की बात करता हूँ, तो टी डी की वैल्यू हो जाएगी आपसे यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी टी बी प्लस कितनी हो जाएगी, टी बी प्लस टू टाइम्स कितनी हो जाएगी, टू टाइम्स टी एफ। तो बी आपको दिया होगा 30 दिया है, और इसके बाद देखो टू टी एफ दे रखा है बेटा, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 50 आ जाएगी। तो आपके पास टी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 50 आ जाएगी, और कितना बचा था आपका टी सी की वैल्यू, आपकी भी आ गई, कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो ये सब वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया, किससे कैलकुलेट किया, ये वैल्यू कैलकुलेट किया हमें इस रेडियस से, जहाँ जहाँ गियर टीथ कर रहा है, अगर हमें कैलकुलेट करना था टी सी, तो सी वाले गियर पे गए थे, ये पिंक वाले गियर पे गए थे, इस सेंटर से डिस्टेंस देखे थे, ये आर ए मिला था, और ये कितना मिला था आपका, सी की बात किया ना मैंने, तो सी का वैल्यू अगर मैं बोलूँ, तो ये यहाँ से आर ए मिला था प्लस टू टाइम्स आर ई मिला था, तो वहाँ से कैलकुलेट किया। इसी तरह यहाँ का निकलना है, डी का निकालना है बेटा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे, एक डिस्टेंस ये हो गया, इसके बाद टू टाइम्स ये हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल दिया। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब ड्रा करते हैं टेबल, क्या करते हैं टेबल। तो उस टेबल में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है दो बार, अब क्या कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। देखो अब एक टेबल में बेटा हम लोग मोशन ड्रा कर रहेंगे, मोशन देखेंगे, दूसरे में क्या करेंगे बेटा, दूसरे में हम लोग आर्म वैल्यू ड्रा करेंगे, आर्म की बात करेंगे, ठीक है। गियर ए भी बेटा क्या है, कंपाउंडेड है, तो गियर ए भी क्या है आपका, ए भी कंपाउंडेड है। ए का टीथ कितना था आपका, ए का टीथ था आपका 20, और बी का कितना था 30। इसके साथ ही साथ ड्रा कर लूँगा टीथ का भी संख्या, जितनी भी दे रखी है उसको ड्रा कर लूँगा। उसके बाद देखो, उसके बाद एफ की वैल्यू, यानी बी के बाद कौन सा कनेक्ट है, तो बी के बाद गियर देखो, बी के बाद ये बी गियर है ना, ये बी किससे कनेक्टेड है, एफ से कनेक्टेड है, एफ से कनेक्टेड है, तो बी का गियर मैंने एफ से कनेक्टेड है, तो एफ का इसकी संख्या, टी की वैल्यू कितना दिखी है, इसकी वैल्यू, इसका मैंने संख्या लिख देता हूँ बेटा, कितनी रखी है, 10 दे रखी है। अब देखो उसके बाद सी है, सी की 40 दे रखी है, ठीक है। अब ई की बात कर रहे हैं, ई देखो, ई कितनी दे रखी है आपके पास, ई आपके पास दे रखी है 30 दे रखी है, और डी दे रखा है आपका 50 दे रखा है। तो सभी टीथ मैंने कंप्लीट कर दिया, तो ये हो गई आपकी, कितना हो गई, ये क्या हो गया आपका, देखो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, ये तो आपका एक टेबल हो गया, सभी टीथ का कनेक्शन हो गया। कनेक्शन कैसे किया, ए बी किससे कनेक्ट है, ए बी किससे कनेक्ट है, ए बी हो गया, उसके बाद ई है, ई किससे कनेक्ट है, सी से कनेक्टेड है। तो ऐसे फिगर हम चलेंगे, अभी देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करते हैं।
पहले अब देखो, पहले किसकी बात करते हैं, पहले आर्म की बात करते हैं। अगर आर्म फिक्स हो बेटा, कैसा हो, आर्म फिक्स हो, और क्या होगा, लेट गियर ए जो होगा, गियर ए जो होगा बेटा, रोटेट बाई किसा हो, रोटेट बाई, ठीक है। अगर मैं बोलूँ प्लस एक्स ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, प्लस एक्स आरपीएम, ठीक है, ये क्लॉकवाइज में ले रहा हूँ, क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, तो ये हो गया। अगर आर्म फिक्स है तो गियर ए रोटेट कर रहा है, किसके डायरेक्शन में, प्लस एक्स कराऊंगा। और दूसरा जो बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है, ये आर्म क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा बेटा, आर्म फ्री हो जाएगा। तो वहाँ पे देखेंगे, तो पहले माना हूँ तो देखो, तो यहाँ से चलेंगे, पहले की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, अभी आर में क्या बेटा, फिक्स है, तो आर में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो इसे जीरो रखेंगे, क्योंकि आर में क्या बेटा, ये फिक्स है, आर में क्या है, फिक्स है, नहीं है। अब देखो, एक रोटेट कराया हूँ एक्स से, रोटेट किससे कराऊं, गियर ए को, किसी ना किसी को गियर का जो पहला गियर होगा उससे रोटेट कराएंगे एक्स डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। तो मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया हूं, एक्स रोटेट कर रही है बेटा क्लॉकवाइज में। अगर ए भी कंपाउंडेड है तो बी भी कंपाउंड, जो बी होगा बेटा वो भी कितना से करेगा, एक्स से ही करेगा। तो अब देखो, ए बी किससे कनेक्ट है, पहले इसको देखते हैं, ए बी बेटा किससे कनेक्टेड है, तो ए बी गियर, ठीक है, तो पहले हम चलते हैं बी गियर का, बी गियर कनेक्टेड है किससे, एफ से। देखो बी गियर है कनेक्टेड है एफ से, तो बी गियर पे चलते हैं यहां पर, तो यहां पे चलो, बी गियर कनेक्टेड है किससे, एफ से, लेकिन कैसे कनेक्टेड है, इंटरनली है आउटरली है। देखो ये कैसे कनेक्टेड है, एक देखो इधर गियर है, एक इधर गियर है, तो ये आउटर यानी कि क्या है, एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट है ये, तो एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट हो गया, दोनों अपोजिट मोशन करेंगे। तो मैंने यहां पे माना हूं, क्या माना हूं, यहां पे अगर मैं पॉजिटिव माना हूं, पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, यहां पर मैंने क्लॉकवाइज माना हूं, तो यहां बेटा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कनेक्ट किससे है आपका, किससे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, बी से, और किस पे जा रहा है मोशन, किस पे जा रहा है, कनेक्टेड है आपका, किससे कनेक्टेड है, बी से, और किस पे जा रहा है आपका, यहां पे देखो, बी कनेक्टेड है, किस पे मोशन जा रहा है, आप देखो बी पे कनेक्टेड है, तो किस पे मोशन जा रहा है, तो बी आपका हो जाएगा, तो देखो यहां पर बी देखो एफ से कनेक्टेड है ना, तो बी देखो आपसे एफ से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा, बी का टीथ कितना है आपका, 30 है, बी का टीथ कितना है बेटा, 30 है, बी का टीथ देखो 30 है, तो बी कनेक्टेड एफ से, ये हो जाएगा 30/10, ठीक है। इसके बाद देखो सी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, सी की बात करता हूं, तो सी देखो कहां है, सी आपका ये है, सी बेटा ये है, सी ये है, क्या ये सी, ये है, तो सी का मोशन देखते हैं, तो सी का मोशन देखूंगा, तो किससे कनेक्टेड है ये किससे कनेक्टेड है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो एफ का आ गया मोशन। अब देखते हैं सी किससे कनेक्टेड है आपका, ई का मोशन आप देखेंगे, तो ई का मोशन आ जाएगा आपका, तो सी का मोशन हम देख रहे हैं, तो सी का मोशन आपको क्या मिलेगा, ये सी हो गए टीथ, कनेक्टेड है किससे बेटा, ई से, तो हमें ई का पहले निकालना पड़ेगा, तो ई कैसे निकालते हैं, तो ई देखो किससे कनेक्टेड है बेटा, ई आपका कनेक्टेड है किससे कनेक्टेड है, ई कनेक्टेड है बेटा आपको ए से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर ई पे बेटा, अब जाएंगे ए से कनेक्टेड है, तो पर कैसा कनेक्शन है, देखो कैसा कनेक्शन है, क्लॉक ये क्या है, दोनों एक्सटर्नली गियर है, कोई इंटरनली गियर नहीं है, ये गियर और ये गियर एक्सटर्नल में है, तो मतलब डायरेक्शन जो ए का होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा। ए का मैंने एक्स माना था, तो यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, तो 20/30 हो जाएगा। अब देखो
सी किससे कनेक्टेड है, सी आपका कनेक्शन है, सी जो होगा आपका कनेक्शन है किससे, ई से कनेक्टेड है, तो ई के बाद आपका सी आएगा, तो ई का आपने नंबर ऑफ टीथ निकाल रखा है, ई का नंबर ऑफ टीथ निकाल रखा है, ई का नंबर ऑफ टीथ निकालने है कितना था, एक्स डिवाइड 20 डिवाइड बाई 30 ई का था, अब कनेक्शन हो रहा है ई से लेके सी तक, तो 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब डी किससे कनेक्टेड है ये देख लेते हैं, डी किससे कनेक्टेड है बेटा, डी एफ से कनेक्टेड है, डी किससे कनेक्टेड है, एफ से कनेक्टेड है, तो अब देखते हैं एफ क्या था आपका, माइनस एक्स था, ठीक है, इनटू, पर देखो कनेक्शन कैसा है, ये इंटरनली है कि एफ से क्या है, इंटरनली एक्सटर्नली है बेटा, इंटरनली है, जो डायरेक्शन एफ का है वो किसका होगा, डी का होगा, जो डायरेक्शन एफ का होगा वो किसका होगा, डी होगा, तो यानी कि एफ का डायरेक्शन जो था आपका, यानी कि एफ का डायरेक्शन था आपका, एफ का डायरेक्शन क्या था, माइनस में था, माइनस में था, तो ये भी माइनस में होगा, तो 30 डिवाइड बाई 10 इंटू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, किससे कनेक्टेड है बेटा, एफ डी से कनेक्टेड है, तो एफ आपका 10 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये आपको जैसे कनेक्शन है उसको ऐसे ही फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ए एफ से कनेक्टेड था तो ए का डिवाइड बाई इतना, बी एफ से कनेक्टेड था 30 डिवाइड बाई 10, पर डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन अगर एक्सटर्नली है तो अपोजिट हो जाएगा, इंटरनली है तो सेम साइन होगा, ये देखना पड़ेगा आपको बस। मान लो यहाँ पर हमेशा वाई की स्पीड लेंगे, आर्म जो होगा वो वाई से घूमेगा, तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, यहाँ वाई माइनस कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 10 यहाँ पे हो जाएगा, इसको काट दो यहाँ से, यहाँ से काट दो, यहाँ से वाई माइनस कितना बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा आपका एक्स, कितना बचेगा, ये बचेगा 20 डिवाइड बाई 40, ठीक है, इसके बाद वाई माइनस कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा एक्स 20 डिवाइड बाई 30, उसके बाद बचेगा बेटा क्या आपका, यहाँ से देखो 10 से 10 काट दो, तो वाई प्लस में वाई ले रहे हैं, तो एक्स माइनस कितना, माइनस एक्स 30 डिवाइड बाई 50, ये इसकी आ गई क्या, आर्म फोर्सेस की स्पीड। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि गियर डी जो है बेटा ये फिक्स है, इसका मतलब जब फिक्स हो गई है तो कोई रोटेशन नहीं है, स्पीड जीरो हो गई है, कौन हो गया है, गियर डी है, तो गियर डी ढूंढो, गियर डी आपको ये मिलेगा, इसकी स्पीड जो हो गई बेटा जीरो हो गई है, तो y माइनस एक्स 30 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से देखूँ गियर क्या डी फिक्स है बेटा, डी फिक्स है, तो यहाँ से मैं कहूँ y माइनस एक्स 30 डिवाइड बाई 50 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ y बराबर क्या हो जाएगा x, ठीक है, ये हो जाएगा 3y 5x, तो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिल गई। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, आर्म की जो स्पीड है, जो आर्म की स्पीड है, यहाँ से देखो आर्म की स्पीड है, जो आर्म की स्पीड है कितना देखा, 100 RPM दिया है, मतलब y की वैल्यू ये क्लॉकवाइज में दे रखा है, किस में दे रखा है आपका, क्लॉकवाइज में दे रखा है, ये क्लॉकवाइज में दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, तो यहाँ पे आर्म की स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे आर्म की स्पीड हो जाएगी बेटा, आर्म की स्पीड आपका दिया है 100, ठीक है, RPM दे रखा है, कैसा दिया है, क्लॉकवाइज दे रखा है, तो यानी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 100 है। अब मैं वैल्यू वहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ, आपके दो इक्वेशन मिले, इसको सॉल्व करता हूँ, तो यानी कि 100 इक्वल टू 3x/5, ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा, x की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, 500 डिवाइड बाई 3, ये x की वैल्यू आ जाएगी, तो आपसे क्या पूछा है, x भी आ गया, y भी आ गया, तो किसी भी RPM पूछा है, तो कोई भी RPM निकालना हो, स्पीड निकालना हो, तो देखो मैं गियर ए बी की बात करूंगा, तो x प्लस वाई इसकी स्पीड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैं गियर ए बी की, यानी कंपाउंड गियर है बेटा, ये कंपाउंड गियर है ना, ये कंपाउंड गियर है, ये कंपाउंड गियर है, तो इसकी जो इसकी स्पीड होगी कितना दिया है, x प्लस वाई, तो इस केस में x की वैल्यू आपकी 500 डिवाइड बाई 3 है, प्लस y की वैल्यू आपका प्लस 100 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 800 डिवाइड बाई 3, इसको सॉल्व कर देंगे, वो RPM में आ जाएगा, तो इसी तरह सिमिलरली क्या निकालेंगे बेटा, ठीक है, x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, सेम यहाँ पर रखेंगे, तो क्या निकालेंगे हम लोग, आंसर निकालेंगे, इसी तरह c का आ जाएगा, इसी तरह कितना आ जाएगा, e का आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर देखो ये तो जीरो था, यहाँ पर देखो इसका निकालना है, e का निकालना है, e का निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका, y माइनस एक्स 20 बाई 3 क्या हो जाएगा,
यहाँ पर y माइनस एक्स 20/3, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 100 है, माइनस x की वैल्यू कितनी है आपकी, x की वैल्यू 500 डिवाइड बाई 3 है, इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद 20 डिवाइड बाई 30 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी किसकी, गियर, किसकी गियर, गियर ई की, ठीक है, गियर ई की स्पीड आ जाएगी, तो ई गियर की स्पीड आ जाएगी, गियर ई की स्पीड आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो क्वेश्चन कैसा भी हो सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास देखो एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट बेटा और भी आसान हो जाए, क्योंकि ये लंबा गियर था, ये बहुत ही लंबा गियर था, क्यों लंबा गियर था, क्योंकि इसमें ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ गियर बहुत है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ गियर बहुत था, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल लेता हूँ, सिंपल लेता हूँ गियर, एक क्वेश्चन दे रखा है, बेटा क्वेश्चन दे रखा है, एक आपका ये एपिसाइक्लिक गियर दे रखा है, एपिसाइक्लिक गियर में आपके पास ये आर्म दे रखा है, ये आर्म दे रखा है, ये ए है और ये बी गियर है, दोनों क्या कर रहे हैं, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है, जो ए का टीथ है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, ए का टीथ बेटा 75 दे रखा है और बी का टीथ दे रखा है आपका 25 दे रखा है, ए बेटा फिक्स है, यानी कि ए क्या कर दिया, ये फिक्स कर दिया है, ए फिक्स कर दिया है, तो गियर ए बेटा क्या, यहाँ पर गियर ए की वैल्यू फिक्स हो गई है, इसका मतलब स्पीड अगर मैं बोलूँ, स्पीड कितना हो जाएगा, गियर ए की 0 हो जाएगी, और पूछा क्या है, और पूछा क्या है, एंड आर्म सी 5 रिवोल्यूशन, ये आर्म ही बेटा सी से बोला है, इसको आर्म सी से बोला है, तो आर्म बेटा जो सी है वो कितना ले रहा है आपका, 5 रिवोल्यूशन ले रहा है आपका, 5 रिवोल्यूशन ले रहा है, तो पूछा क्या है, तो रिवोल्यूशन मेड बाई बी, तो कितना रिवोल्यूशन होगा, तो आरपीएम पूछा है बी का कितना होगा, तो क्या करेंगे, सेम यहीं पे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको सिर्फ टेबल लेना है, क्या लेना है, टेबल बनाना है, इस टेबल को बनाने में देखो यहाँ पे सिर्फ मोशन लिखना है, क्या लिखना है आपका, मोशन लिखना है, दूसरी बात यहाँ पर आर्म लिखना है, अब देखो आपके पास कितने टीथ हो गए, ए और बी कनेक्टेड हैं, तो देखो ए अलग है, तो ए की टीथ है आपको सीआ है 75 टीथ दिया, उसके वैल्यू रखेंगे, और दूसरी टीथ बेटा कनेक्ट हो रही है किससे, बी से है, तो बी किससे आपका 25 है, तो ये मोशन हो गया आपका। देखो अब आपसे पूछा कि मोशन, आपसे पूछ रहा है कि मोशन जो हो रही है बेटा, मोशन जो हो रही है, ठीक है, मोशन बोलूँ, अगर मैं बोलूँ आर्म बेटा फिक्स है, क्या आप यहाँ पर लिखेंगे बेटा आर्म फिक्स है, ठीक है, आर्म फिक्स है, तो क्या है, गियर ए बेटा फिक्स है भी, तो आर में फिक्स है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो मान लूंगा एज्यूम करता हूँ, एज्यूम अभी कर लेता हूँ, ये माना नहीं कि अपने गियर फिक्स है, लेकिन अभी एज्यूम करता हूँ कि गियर ए जो होगा एक्स डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो इसे पॉजिटिव एक्स ले लिया, आपको हमेशा मानना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन बाद में अप्लाई करेंगे, ठीक है, मान लिया मैंने एक्स से कर रहा है, तो ये एक्सटर्नली कनेक्टेड है बेटा, अगर ये प्लस एक्सिस घूमेगा तो ये माइनस एक्सिस घूमेगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन कनेक्ट किससे है बेटा, ए से बी तक जा रहा है, तो यानी कि ए क्या हो जाएगा 75 ए से बी तक, तो ये हो जाएगी इसकी ये। अब दूसरी टेबल में बोलूंगा आर्म बेटा क्या है आपका, आर्म जो है फ्री है, जो रोटेट कर रहा है वाई से, और यहाँ पे प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे बोलूंगा तो वाई माइनस, इसको काटूंगा ये 3 times हो जाएगा, 3 times x हो जाएगा ये वैल्यू। अब आपसे जो क्वेश्चन कहा है वो उसमें अप्लाई करिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि a फिक्स है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, स्पीड है ये बेटा आर्म की, ये पूरी स्पीड है, ये स्पीड की बात हो रही है, ये स्पीड की बात हो रही है, तो आर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये आर्म जो गियर ए इसका फिक्स है, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन बनेगा, और क्या दे रखा है आर्म का जो वेलोसिटी दे रखा है, कितना दे रखा आपका, दे रखा होगा आर्म का 5 रिवोल्यूशन है, यानी कि वाई की वैल्यू 5 रिवोल्यूशन है, तो 5 मान लिया मैंने, ठीक है, तो अगर मैं 5 मान लिया, तो देखो वाई की वैल्यू 5 रखता हूं, तो इसमें क्या एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5, कितनी आ जाएगी -5, तो इसमें देखो आपसे क्या पूछा है, बी का क्या पूछा है, तो ये आपका बी का आरपीएम हो गया, बी का आरपीएम हो गया, तो यहीं मैं रख देता हूँ, यहीं मैं रख देता हूँ,
ठीक है, हमारे पास क्या था आपका y के x की वैल्यू माइनस फाइव है, y की वैल्यू फाइव है, तो माइनस फाइव इंटू थ्री इंटू माइनस क्या है फाइव, तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखो 15 प्लस 5, 5 प्लस 15 ये कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा, तो ये आपका 20 रिवोल्यूशन ले रहा है, तो NB की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो कितना आसान था क्वेश्चन करना, कितना आसान था क्वेश्चन को करना, देखो कुछ नहीं था। एक बार फिर रिवाइज करता हूँ, सभी का टीथ दिया था, जो कंडीशन दिया है वो रखूंगा, अगर फिक्स है इसका मतलब इसकी स्पीड फिक्स होगी, तो स्पीड निकालने के लिए टेबल ड्रा करना ही पड़ेगा, मोशन आर्म जितने भी गियर कनेक्टेड है वो दिखाना है आपको, आर्म फिक्स करिए, आर्म की वेलोसिटी जीरो लीजिए, अगर मान लिया कंडीशन दिया है तो इसको भी छोड़ दो, प्लस मान लिया कि इसे एक्स से घूम रहा है ये क्लॉकवाइज में, तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, कनेक्ट किससे है एक्सटर्नली कनेक्टेड है तो माइनस एक्स हो जाएगा, किससे कनेक्टेड है ए, किससे कनेक्टेड है ए से बी तक है, तो ए का और बी का रेशियो लेंगे 75/25, तो ये हो जाएगी इसकी। अब आर्मर को फ्री कर देंगे तो आर्मर की भी जो फ्री हो जाएगा इसको रखेंगे, तो आर्मर की वेलोसिटी दे रखा है 5 रिवोल्यूशन, तो y की वैल्यू दे रखा है ना, ये आर्मर आर्मर की वैल्यू कितना है आपका 5 रिवोल्यूशन दे रखा है, मतलब y की वैल्यू 5 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे x plus y से, तो x plus y की वैल्यू 0 है, क्यों, क्योंकि na बेटा ये क्या है आपका 0 है, क्योंकि स्पीड क्या है यहां पे देखो na 0 है, इसका मतलब x plus y ये सब स्पीड है बेटा, ये सब स्पीड है, एन ए जीरो हो गया, y की वैल्यू तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो आप x और y की वैल्यू पता है तो स्पीड आप इसका भी नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गई हमारे पास। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेनेटरी और गियर ट्रेन, तो अब देखो इसमें सन एंड प्लेनेट का कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है आपका सन एंड प्लेनेट कॉन्सेप्ट आता है, कि आपके पास की मान लिया जाए एक गियर है, ये गियर है और सॉरी ठीक है, एक गियर ये है और दूसरी गियर बेटा ये कनेक्टेड है, कैसा है ये कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है ठीक है, इसके बाद इस पे आर्म लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है एक आर्म लगा हुआ है, तो इसे बोलेंगे हम लोग सन एंड प्लेनेट गियर। तो देखो तो जो बीच वाला होता है गियर, जो बीच वाला गियर है बेटा, जो बीच वाला गियर है ना, ये देख रहे हैं आप गियर, तो इसे बोलेंगे सन, क्या बोलेंगे सन बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेटा प्लेनेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्लेनेट बोलेंगे, और बाहर वाला जो होगा इसे बोलेंगे बेटा एनुलर, एनुलर रिंग बोलेंगे, एनुलर रिंग बोलेंगे ठीक है। तो सन प्लेनेट एनुलर रिंग आपके पास तीन चीजें मिलेंगी, तो ये हो गई ये आपके पास कौन सा सन एंड प्लेटनिक गियर। तो देखो अगर मैं बोलूं ये सन हो गया, क्या हो गया सन हो गया, और ये क्या हो गया बेटा प्लेनेट हो गया, तो अगर मैं इसको फिक्स करता हूं, इसको मैं फिक्स करता हूं, तो इसके लिए इनपुट ये हो जाएगा ठीक है, अगर मैं ये फिक्स कर देता हूं तो इसके लिए इनपुट बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सन। तो ये आप चीजें को ध्यान रखिएगा, जो भी फिक्स करेगा ठीक है वो उसके अब आगे वाला पार्ट वो इनपुट हो जाएगा, यहाँ पे मैं प्लेनेट फिक्स करता हूँ तो इनपुट सन हो जाएगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सेम क्वेश्चन वैसे करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन बेटा दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करते हैं, एक गियर ये दे रखा है और एक गियर बेटा ये दे रखा है, एक गियर ये दे रखा है ठीक है। अब आपसे तीन गियर कनेक्टेड बेटा, तीन गियर कनेक्टेड है, एक गियर ये कनेक्ट है ठीक है, दूसरी गियर ये कनेक्ट है और तीसरी गियर बेटा ये कनेक्टेड है। अब देखो ये कनेक्शन है, यहां से गया बेटा, यहां से गया तो ये चीजें दी रखी है, मैं गियर का नाम रख लेता हूं, गियर का नाम रखता हूं, ये सन गियर हो गया,
ये प्लेनेट गियर हो गया, ठीक है, प्लेनेट गियर हो गया, और ये प्लेनेट भी, ये भी प्लेनेट है, ये भी प्लेनेट है, और एक इसे डी मानता हूँ, ठीक है। तो आपके पास टी डी की वैल्यू दे रखा है, टी डी की वैल्यू दे रखा है 72, और उसके बाद एन डी की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, 0। जो स्पीड है इसकी कितनी स्पीड है, यानी इसी को फिक्स कर दिया है, एनुलर को फिक्स कर दिया है। स्पीड ऑफ डी कितना दे रखा है आपका, 0, ठीक है। स्पीड ऑफ जो सन दे रखा है, किसकी सन दे रखा है, ये 5 times स्पीड ऑफ एन ए का है, ए बेटा क्या है इसमें, ए बेटा आपका आर्म है, ठीक है। ए क्या आपका, ये ए है आपका, ए बेटा क्या आपका, ये आर्म है, ठीक है, आर्म बेटा ए है। तो देखो ये वैल्यू दे रखा है, अब आपसे क्या बनाना है, आपको टेबल बनाना है। तो पहले देखो टी डी वैल्यू दे रखा है, क्या हमें टी पी पता है, क्या हमें टी एस पता है, क्यों पता है, क्या नहीं पता है, न हमें टी एस पता है और न ही हमें क्या पता है, टेपी पता है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो टी एस टी पी आपको निकालना है। तो मान लिया, चलो मान लिया मैंने, अब इसको सॉल्व करता हूं, अब इसको सॉल्व करता हूं टेबल से, यही सॉल्व करता हूं। देखो इसको मान लो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, इसको अभी लिख देता हूं। टी डी बेटा कितना हो जाएगा, 72, एन डी की वैल्यू कितना हो गया, 0, एन सन जो आपका वो कितने टाइम्स है, 5 times आप एन है ये आर्म से। अब देखो इसे हटाते हैं, इसे हटाते हैं, नहीं अब यहीं में बेटा हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं। तो देखो एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं सेम वैसा ही बेटा, कितने गियर हैं आपके पास, 3 gear हैं, 2 gear हैं, 3 है, ये मोशन हो गया, ये मोशन हो गया, ठीक है, ये आर्म हो गया, आर्म हो गया, अब ये बेटा यस हो गया, ये बेटा कितना गियर हो गया, पी हो गया, और लास्ट में कितना हो गया आपका, डी हो गया। तो ये चीज़ें आपको पता हो गई, हमें टी एस मान लिया, टी पी मान लिया, हमें पता नहीं है टी डी की वैल्यू कितना दिया, आप 72 दिया है, तो टी डी की वैल्यू मैंने लिख दिया 72 है। चलो यहीं से सॉल्व करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट वही लेना है, हमें आर्म को फिक्स करना है। क्या करेंगे, जब आर्म क्या होगा, आर्म इज फिक्स हो जाएगा, जब आर्म क्या हो जाएगा बेटा, फिक्स हो गया, जब आर्म ही फिक्स हो गया इसका मतलब आर्म की वेलोसिटी 0 हो गई। और मान लिया मैंने एस क्या हो गया बेटा, वो क्लॉकवाइज में घूम रहा है, क्या कह रहा है, क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो एक्स मान लिया कि वो स्पीड एस क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन एस से कनेक्टेड है पी, एस से कनेक्टेड है पी, तो एक्स से कनेक्टेड है पी, तो पी क्या करेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो पी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है, किससे कनेक्टेड है, टी एस अपॉन टी पी हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखो पी किससे कनेक्टेड है, डी से, तो माइनस एक्स, लेकिन कैसा ये इंटरनली एक्सटर्नली है, इंटरनली है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब स्पीड सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर टी एस बाई टी पी आपका कौन सा का था, पी का था, उसके बाद पी से डी कनेक्टेड है, तो टी पी बाई कितना हो जाएगा, टी डी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो अब क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा आर्म बेटा क्या आपका फ्री हो गया, आर्म क्या हो गया, फ्री हो गया, तो आर्म वाई से रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पर वाई माइनस एक्स टी एस अपन टी पी हो जाएगा। यहाँ पे देखो टी पी से टी पी कट गया, तो अब क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स टी एस अपन टी डी होगा, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि स्पीड है किसकी है, डी की, जो बेटा 0 है, तो स्पीड डी आपका ये आया है, इसी को 0 कर देते हैं, तो इसी को 0 करेंगे, तो y माइनस कितना हो जाएगा, y माइनस x किसकी बात कर रहे थे, एक बार देख लेते हैं क्या क्या था, y माइनस s और x ts अपान td की वैल्यू 0 हो गई, ts अपान
टी डी की वैल्यू जीरो हो गई, तो यहाँ से जीरो हो गई, एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिला। और दूसरा क्या कर रहा है इक्वेशन कि जो सन का है आरपीएम वो 5 टाइम्स किसका है आपका आर्म का, तो सन कहाँ मिलेगा, सन ये है, यानी ये कितना है 5 टाइम्स कितना बेटा आर्म का है, तो x प्लस वाई बेटा कितना हो जाएगा, ठीक है, तो सन का है x प्लस वाई आरपीएम वो 5 टाइम्स है बेटा किस से, आर्म से, आर्म का वेलोसिटी वाई माना हूँ। तो अब यहाँ से देखो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4y, x की वैल्यू 4y, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ y रख देंगे। अब क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, क्या कोई स्पीड दे रखा है क्या, कोई स्पीड दे रखा है क्या, ठीक है, तो कोई स्पीड दे रखा है कि नहीं दे रखा है ये देखते हैं। तो s की तो हमारे पास ये आ गई, अब हमें पास सिर्फ किसकी किसकी पता है, टीथ, टीथ हमें d का पता है, और कोई टीथ पता है क्या हमें, कोई हमें टीथ पता है क्या, नहीं पता है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जहां है वहां रखेंगे इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन 2 हो गया ये, और ये इक्वेशन फर्स्ट था आपका, यहां से अप्लाई किया था, दूसरों का x की वैल्यू 4y रखेंगे, तो यहां से निकालेंगे y माइनस x की जगह लो 4y रखते हैं, ठीक है, ts by td ये रखते हैं इक्वल टू 0। तो अब निकालो y कॉमन लेते हैं यहां से, तो 1 माइनस 4 ts by td की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। इसका मतलब अब देखो ये 1 माइनस 4 ts अपन td की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी, अब देखो 4 टाइम्स ts by td की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब अब td आपको कितना देखा है 72, तो 4ts इक्वल टू 72, ठीक है, ts की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 18 आ गया, ts की वैल्यू क्या हो जाएगा 18 हो गया, तो सन की जो टीथ होगी बेटा वो 18 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ts हमें आ गया, अब ts आ गया तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर स्पीड किसकी दी रखी है, स्पीड हमें देखो हमें p के निकालना है, ts हो गया, पिनियन के निकालने के लिए यहाँ पर रखेंगे, तो y माइनस x अपन ts बाई tp। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था, हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सन का जो होगा टीथ कितना होगा, सन का टीथ कितना होगा वो बताना था, यहाँ से ts की वैल्यू हमें पता हो गई, तो सन का जो टीथ हो गया तो वो कितना हो गया, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, ts का वैल्यू आपको पता हो गई यहाँ से, तो सेम था, कुछ नहीं था इसमें, सभी को कॉन्सेप्ट वाइज मैंने सॉल्व किया, वहाँ से c की वैल्यू बता क्या है, ts की वैल्यू क्या क्या कैलकुलेट किया, वहाँ पे 18 आई, ठीक है। तो दो इक्वेशन बनेंगे, जितने इक्वेशन बनेंगे दोनों को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ts निकाल लेंगे। तो देखो अब मैं कहूँ क्या tp निकाल सकते हैं, हमें ts की वैल्यू पता है, टीथ हमें पता है यहाँ से, तो देखो ये अगर मैं बोलूँ ये सेंटर है, ये रेडियस प्लस 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा d, तो कह सकते हैं यहीं पर, देखो यहीं पर लिखता हूँ, जो ts होगा बेटा ts प्लस 2 टाइम्स tp बराबर कितना हो जाएगा td, तो td हमें पता है, td पता है कि नहीं पता है, 72 पता है, ठीक है, क्या हमें s पता है, 18 पता है, प्लस 2 tp, तो tp की वैल्यू निकल जाएंगी, तो यहाँ से निकालो कितना हो जाएगा, तो अब देखो 2TP की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा यहाँ से घटाएंगे, तो अब देखो P की वैल्यू निकाला तो कितना जाएगा, कितना हो जाएगा TP की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से काट लो 2 टाइम्स 27 आ जाएगी, TP की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से TS की वैल्यू आपको पास 18 आ गई, और TP की वैल्यू बेटा कितना आ गया, TP की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 27 आ गई, तो ये आंसर आपका कैलकुलेट हो गया। तो कहने का ये मतलब हुआ बेटा कि क्वेश्चन कैसे भी दे कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, क्या करना पड़ेगा, मोशन आर्म को फिक्स करना पड़ेगा, अलग अलग टीथ को रोटेशन करना पड़ेगा, आर्म को क्या करना है फ्री करना पड़ेगा, वाई लेना है, बाकी जैसे इसका कनेक्ट इससे है तो माइनस, अगर ये क्या है आपका अलग अलग गियर है दोनों एक्सटर्नली है तो माइनस में हो जाएगा, जो टी एस कनेक्टेड है बेटा टी डी से टी एस अपन टी पी कर देंगे, सिमिलरली ये टीथ पहले था पी, अब पी डी से कनेक्टेड था, पी के लिए ये था आपका, पी के लिए ये था, अब पी के लिए था, पी किससे कनेक्टेड डी से, तो यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे मैंने टी पी अपन टी डी लिया, तो इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा एपिसाइक्लिक गियर है, कैलकुलेशन हो गया, कुछ कॉन्सेप्ट थे, एप्लीकेशन थे, सब किया।
ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट पसंद आया तो खुद जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।